हिंदू धर्म के लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर के निर्माण का जो इंतजार था वह अब पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु विशेष पूजा पर रुद्राभिषेक किए जा रहे हैं। मंदिर निर्माण के लिए छोटी काशी के ऐतिहासिक मंदिरों के मिट्टी और पवित्र झीलों और नदियों का पानी भेजा जाएगा। मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने ये शब्द कहे। उन्होंने कहा कि हिमाचल व छोटी काशी के लिए गर्व की बात है कि अयोध्या में निर्मित होने जा रहे भव्य श्री राम मंदिर के लिए यहाँ का पवित्र जल व मिट्टी इस्तेमाल होगी। हिमाचल देवभूमि है तथा ये देवभूमि विभिन्न ऋषि मुनियों व स्वयं भगवान शिव की तपोस्थली रही है। जब श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर अनेक आंदोलन हुए तो उसमें हिमाचल का भी अहम योगदान रहा है। लंबे अंतराल के बाद भगवान श्री राम को भव्य मंदिर में विराजमान किया जाएगा तथा इस मंदिर निर्माण में विश्व हिंदू परिषद तन मन धन से सहयोग करेगी। जिला मंडी विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र व प्रांत के निर्देशानुसार त्रिवेणी संगम रिवालसर झील इसके किनारे बौद्ध धर्म के गुरु पद्म संभव हिंदू धर्म के ऋषि लोमस तथा सिख पंथ के 10वें गुरु सतगुरु गोविंद सिंह ने यहां तप किया था। इसके चलते बौद्ध धर्म का गोम्पा लोमस ऋषि मंदिर और गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा रिवालसर की मिट्टी व पवित्र जल लाया गया है। इसके अलावा ऋषि पराशर की तपोस्थली पराशर झील का जल व मिट्टी माता भीमा काली मंदिर की मिट्टी मंडी ऐतिहासिक गुरुद्वारा पड्डल की मिट्टी मंडी जगन्नाथ मंदिर मंडी श्री राम मंदिर मंडी सतबाला कामेश्वर मंदिर बहना हनुमान मंदिर नागचला और बाबा भूतनाथ मंदिर की मिट्टी एकत्र की गई है जिसे अयोध्या भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु भेजी जाएगी। ये पवित्र सामग्री स्पीड पोस्ट के माध्यम से अयोध्या भेजी जा रही है जो जल्द ही अयोध्या पहुंच जाएगी। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद जिला मंडी के मंत्री विशाल ठाकुर जिला गौ सेवा सह प्रमुख राजेश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय नेतृत्व तथा मार्गदर्शक मंडल द्वारा आह्वान किया गया था तथा हमारे प्रांत अध्यक्ष माननीय श्री लेखराज राणा जी ने एक निर्देश दिया था हमें कि राम मंदिर निर्माण अयोध्या में होने वाले राम मंदिर निर्माण में पूरे भारतवर्ष की मिट्टी और सरोवरों का जल पवित्र सरोवरों का जल वहां जाएगा और वो निर्माण सामग्री के रूप में वहां समाहित किया जाएगा। तो इसमें हमें ये एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हिमाचल को हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो जो वहां पे भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है उस मंदिर निर्माण के गर्भगृह में देवभूमि हिमाचल की मिट्टी और यहाँ के पवित्र सरोवरों और नदियों का जल जो है वो वहाँ के गर्भगृह के निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। ये पूरे हिमाचल वासियों के लिए देवभूमि वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। तो हमें ये जैसे ही ये लक्ष्य मिला था तो आज हम आपके सामने इस लक्ष्य की पूर्ति के बाद प्रस्तुत हुए हैं। हमने करीब 10 तीर्थ स्थानों की पवित्र मंदिरों की गुरुद्वारों की गुम्पा की मिट्टी यहाँ लाई